बेसिकली आज का जो वीसी है इसमें हम सेप्टेम्बर मंथ का विजन आइस का मैगजीन एक बार कवर करेंगे। लास्ट टाइम भी किया था बट आई थिंक स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ इशू था, उसमें वीडियो नहीं आया था। तो बेसिकली टेबल में आप कंटेंट्स में देख लोगे, आपको टॉपिक्स मोटा मोटा मिल जाएगा। पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके बाद आपका इकोनॉमी है, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज, साइंस एंड टेक, कल्चर, एथिक्स और बाकी चीजें हैं। तो जब भी आप विजन आइस मैगजीन पढ़ रहे हो, व्हाट आई ट्राई टू टेल एवरीवन इज कि आपको क्लैरिटी किस पे चाहिए, व्हाट यू हैव टू रिटेन एंड व्हाट यू हैव टू रिजेक्ट, क्या या पढ़ना है अच्छे से, क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है पढ़ के, और तैयारी कैसा करना है आपको। यू हैव टू डेवलप योर वर्ड एसोसिएशन गेम नंबर वन सो दैट यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन पेपर वन। और पेपर टू के लिए जो सब्जेक्टिव टॉपिक के स्कोप से इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल कीप ऑन टेलिंग यू टाइम एंड टाइम अगेन, उनको आप पढ़ लेना। तो जब आप पहले सेक्शन में आते हो, दैट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत पुराना टॉपिक है, बट इसमें क्या है कि दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पेपर वन पेपर टू परस्पेक्टिव। पेपर वन में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, मे बी दे कैन आस्क यू कि कौन सी कमेटी थी, उसका क्या मैंडेट था, तो उसमें लिखा हुआ श्री रामनाथ कोविंद का कमेटी था, हाई लेवल कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस। पेपर टू के हिसाब से इट इज इंपॉर्टेंट। तो जब आप पेपर टू के हिसाब से पढ़ोगे, देन यू शुड नो कि नंबर वन कौन कौन से लेवल पे इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, कौन बताएगा। लास्ट टाइम मैंने पूछा ही था, तो दैट इज थ्री लेवल्स ऑफ इलेक्शन, यूनियन में होता है, स्टेट में होता है, एंड लोकल लेवल पे होता है। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो कमिटी ने रिकमेंड किया है वो क्या रिकमेंड किया है। इन्होंने बोला है कि सेंटर और स्टेट का हम एक साथ करा लेंगे, जो लोकल लेवल का उसका इन्होंने बोला कि ठीक है हम देख लेंगे कैसे करना है। तो इसको आपको पढ़ लो पूरा। तो बेसिकली जब आप इसमें पढ़ोगे अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन से बात की, आगे नीड पे बात करेंगे ये। अब जो नीड फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस वाली बात है, ये अगेन पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट कीप द पॉइंट्स इन माइंड कि अगर इफ यू आर आस्क्ड, मे बी दे कैन आस्क एन ऐसे और दे कैन आस्क एन आर्ग्यूमेंट, ऐसे आएगा तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स देने। नंबर वन गवर्नेंस, नंबर टू फाइनेंशियल बर्डन, नंबर थ्री ह्यूमन रिसोर्सेस, सिक्योरिटी एंगल, वोटर पार्टिसिपेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये सब बात आपको कर लेनी है। तो ये नीड पे बात कर ली है आपने। अब इसके नीचे आप देखोगे ये एस वाई कुरेशी हैं, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इन्होंने इनका कोट दिया विजन आइस वालों ने। ठीक है, अब ये कोई महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू नहीं है कि आप इनको कोट करो, बट जो इनका पॉइंट है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं कि इलेक्शंस हैव बिकम द रूट कॉज ऑफ करप्शन इन द कंट्री, आफ्टर विनिंग इलेक्शंस पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट नेक्सस इंडल्जेंस इन रिकवरिंग द इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज वेयर करप्शन बिगिंस। आपको बस ये पॉइंट होना चाहिए दिमाग में, ये बोले कि क्या कोशिश करें, कोट करने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन यूज दिस इन योर एसे आल्सो समवेयर। इसके बाद इन्होंने बात की है जो बाकी कमिटीज थी साइमल्टेनियस इलेक्शंस की, उनकी बात की हुई है। बस इनको दिमाग में रख लेना है, इसमें कोई भी ऐसा बहुत हाई लेवल की कमिटी नहीं है कि आपको याद करना पड़े तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू जस्ट मतलब एक बार अपडेट कर लो कि पहले भी कुछ हुआ हुआ है इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन में, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कोई कमिटी या वो बैठाया गया था। अब इसमें जो रिकमेंडेशंस हैं, आगे आप देखो की हाइलाइट्स ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, रिकमेंडेशंस में देख लेना क्या क्या लिखा हुआ है। जरूरी क्या है यहाँ पे, आपको जरूरी ये पड़ेगा ऑब्वियसली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हो, कितने तरह से हो सकता है कौन बताएगा। सर आई कैन नीड यू समवन रिपीट टू टेल मी कि सर, आई एम आस्किंग कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितने तरह से हो सकता है। सर दीपक ने, टू फाइव मतलब 3 तरीके से। हाँ एग्जैक्टली, तो अलग अलग तरीके हैं। तो जब आप ये पढ़ रहे हो, आपको बस ये जो टेबल दिया ये पढ़ लेना, इसमें दिया हुआ है उन्होंने कि किस किस तरीके से जो सजेशन दिए हैं कमिटी ने वो कैसे इफेक्ट कर सकते हो आप, इसको पढ़ लेना, दिमाग में क्लैरिटी रख लेना। बिकॉज कुछ जगह पे तो ये सिंपल लॉ के थ्रू हो सकता है, कुछ जगह पार्लियामेंट का स्पेशल वो चाहिए होगा आपको, और कुछ जगह पे आपको पार्लियामेंट का मेजोरिटी प्लस आपको चाहिए होगा स्टेट्स का भी सपोर्ट, जो स्टेट का रेटिफिकेशन होता है, वो चीजें दिमाग में रख लेना। देख लेना कि एम लक्ष्मीकांत में कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। तो बस ये हो गया। इसके बाद आपने कमिटी की रिकमेंडेशन देख ली, रटने की जरूरत नहीं है अगेन, बिकॉज क्या है इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ सकते, बिकॉज अभी सजेशन हुआ है कमिटी का, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं, इस पे लॉ पास होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्ट अमेंडमेंट होगा, तो बहुत लंबा टाइम बचा हुआ है अभी। तो जब भी अमेंडमेंट होता है देन इट बिकम्स नेसेसरी, या तो कल को सुप्रीम कोर्ट को इस पे ऑर्डर देता है तब देन इट बिकम्स नेसेसरी, अदरवाइज तो बस ये है आप पढ़ लो, दिमाग में रख लो कि रिकमेंडेशन क्या है, सपोर्ट में क्या पॉइंट्स हैं, आगे इन्होंने चैलेंजेस दिए हैं, ये देखो। ठीक है, चैलेंजेस दिमाग में रख लेना
एंड इसी में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा बेसिकली. सो ये जो टॉपिक है आपको पेपर वन के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर टू के हिसाब से बेसिकली दे कैन आस्क यू एन एसे और दे कैन आस्क यू एन आर्ग्यूमेंट, वो तैयारी कर लेना. और मे बी दे कैन आस्क अ रिपोर्ट ऑल्सो कि इस कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था. बिमन यस पूछो. सर क्वेश्चन ये था लाइक कैसे क्वेश्चन आ सकता है? दैट्स व्हाट आई जस्ट सेड ना कि दे कैन आस्क एन आर्गुमेंट और दे कैन आस्क एन एसे, यही तो. हां बट लाइक बस यही तो बताया मुझे. ठीक है थोड़ा एग्जांपल देंगे लाइक एसए में ऐसा पूछ सकता है. एग्जांपल दे कैन आस्क इज फॉर एग्जांपल देखो आर्गुमेंट में तो इट इज वेरी क्लियर. ठीक है आर्गुमेंट वो सिंपल सा पूछ सकते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस पे यू कैन यू हैव टू राइट आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, सीधा दिया हुआ इसमें. ठीक है अगर ये ऐसे पूछते हैं ऐसे दे कैन आस्क कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस हैव बिकम नेसेसरी फॉर स्मूथ इलेक्शंस, तो अब आप इसमें से देखो स्मूथ इलेक्शंस कहाँ कहाँ पे आ रहा है. ठीक है इंट्रोडक्शन में ऑब्वियसली तुम डिफाइन कर सकते हो कंसेप्ट को और बता दो कि रामनाथ कोविंद कमिटी ने अभी जस्ट रिकमेंडेशन सबमिट किए हैं. व्हेन यू आर राइटिंग द मेन बॉडी में तुम उसके डील कर लो कि स्मूथ इलेक्शन कैसे हो सकते हैं. मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा, जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आते हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं, उन सब का हो जाएगा, वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, ये सब बातें कर सकते हो. कंक्लूजन में सिंपल सा लिख सकते हो कि भाई ठीक है, मतलब ऑब्वियसली स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है बट जो निटिग्रिटीज हैं दे हैव टू बी वर्कड आउट. बस सिंपल सा ऐसे यही बनेगा इस पे. और दे कैन आस्क यू चैलेंजेस इन कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस, तो जब चैलेंजेस की बात करो उनमें तुम्हें ये सब बात करनी पड़ेगी कि भाई अभी जो इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें रीजनल पार्टीज बहुत डोमिनेट करती हैं, प्लस कुछ असेंबली टाइम के पहले डिसॉल्व हो जाती हैं, तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं कि अगर तुमने कोई साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा लिया और सेकंड ईयर में कोई असेंबली डिसॉल्व हो गई तब क्या करोगे. ठीक है तो ये सब दिया हुआ उसमें बॉडी में मेन, तुम्हें बस पढ़ के अपने आइडियाज को गैदर करके फॉर्म कर लेना है आंसर, बस वही हो जाएगा इसमें. ठीक है मे बी इफ दे आस्क अ जनरल काइंड ऑफ ऐसे तो तुम्हें उसमें दोनों प्लस एंड माइनस दोनों बात करने पड़ेंगे. ठीक है यस सर. इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है दैट इज ग्लोबल एआई गवर्नेंस. अब ग्लोबल एआई गवर्नेंस वाला पढ़ोगे तो इसमें बस दो चीजें जरूरी है. नंबर वन इज काउंसिल ऑफ यूरोप याद रख लेना ये क्या चीज है, और दूसरा ये जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो बस ये याद रखो कि दिस इज एसोसिएटेड विद काउंसिल ऑफ यूरोप, इंडिया का कोई फ्रेमवर्क वगैरह ऐसा नहीं हुआ है. बिकॉज मे बी इफ दे आस्क एमसीक्यू इन पेपर वन और वहां पे तुम्हें देते हैं कि रिसेंटली फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज एडॉप्टेड बाई, तीन चार ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे सकते हैं. तो यू शुड जस्ट नो कि ठीक है दैट इज काउंसिल ऑफ यूरोप एंड नंबर टू व्हाट इज काउंसिल ऑफ यूरोप, दैट इज इट. उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है. इसके बाद जो भी दिया हुआ है इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर एआई सिस्टम, की प्रोविजंस ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन, नीड फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस, नीड फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस पढ़ लेना बिकॉज एआई इज अ वेरी कॉमन टॉपिक, उस पर बार-बार पूछ सकते हैं. तो बस पॉइंट्स होना चाहिए तुम्हारे पास कि ठीक है. उसके बाद चैलेंजेस इन ग्लोबल एआई गवर्नेंस ये पढ़ लेना, याद नहीं करना है बट यू शुड बी अवेयर अबाउट द पॉइंट्स कि एआई ऑब्वियसली क्या है कि देखो नेशंस के रूल्स होते हैं बट एआई तो ऐसी चीज है कि डेवलप हो रहा है यूएस में, गूगल उसको प्रोवाइड कर रहा है और इंडिया में यू आर यूजिंग जेमिनी को पायलट ये सब, तो उसकी वजह से रेगुलेटरी और लीगल चैलेंजेस आते हैं. दैट इज व्हाई यू नीड ग्लोबल गवर्नेंस इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है तो उसकी जरूरत क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, ये सब पढ़ लेना. ऐसे पूछा जा सकता है ऑब्वियसली कि रेगुलेशन ऑफ एआई एट ग्लोबल लेवल हैज बिकम नेसेसरी कमेंट या फिर राइट एन एसे ऑन ऐसे करके. तो वो सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, बस पढ़ लेना इसको. उसके बाद जो स्टेप्स टेकन टू रेगुलेट एआई इंडिया में क्या क्या किया गया है, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या किया गया है, इसको पढ़ लेना. लास्ट टाइम जैसे मैंने वीसीएम पूछा था कि इंडिया में देखो अभी तक कोई डायरेक्ट लॉ पास नहीं हुआ है एआई पे, बहुत सारी चीजें जिनपे डायरेक्ट लॉ पास नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली इसको तुम मेंशन कर सकते हो अपने ऐसे के पॉइंट में. ऐसे में ये चीज याद रखो कोई भी ऐसा एक टॉपिक है जो आजकल ज्यादा इमरजेंट हो रहा है बट उसके लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है हमारे पास. जैसे अगर हमें अभी मान लो एआई के चैलेंजेस से डील करना पड़ेगा तो वी हैव इनडायरेक्ट प्रोविजंस आईटी एक्ट में हो सकता है, और कौन कौन से एक्ट्स हैं व्हिच यू कैन थिंक ऑफ जिसमें एआई रिलेटेड होगा बताओ. एक तो मैंने बता दिया आईटी एक्ट हो गया, और बताओ क्या क्या हो सकता है. टेलीकम्युनिकेशन एक्ट ठीक है मे बी बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन इज मोर रिलेटेड टू ये नेटवर्क्स वगैरह, मतलब वो डायरेक्टली इन चीजों से डील नहीं करेगा बट ठीक है मे बी इट कैन बी बिकॉज वो नेटवर्क कैरियर है जो उसको कर रहा है. ठीक है फाइन इनफ, और बताओ.
ठीक है, brainstorm on this. Point is, जब भी कोई ऐसा question आता है in which we do not have an express act or express provision, तो उसमें तुम लिख सकते हो कि given that कि जो challenge है उतना immense है, एक express provision या फिर related जो एक act है वो pass हो जाना चाहिए. ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो. तो उन्होंने दिया हुआ कि इंडिया में क्या क्या स्टेप्स हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स हैं, इसको पढ़ लेना. ठीक है, तो ये भी टॉपिक हो जाएगा. अगेन इसमें कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हें बैठ के याद करना पड़े, बट वर्ड एसोसिएशन अपना डेवलप कर लेना. इसके बाद एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये कुछ भी काम करनी है इसमें, बस तुम्हें ये ध्यान देना कि मिनिस्ट्री कौन से रिलेटेड होती है ग्रीवेंस रिड्रेसल से. तो उसमें दिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, बस काम हो गया इस टॉपिक का. ठीक है, बाकी इसको रीड करोगे, इसमें कुछ भी काम करनी है इस टॉपिक में. आगे आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम. अब देखो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी ऐसे तुम्हारे पढ़ने के लिए कुछ नहीं, यू शुड जस्ट नो पेंशन रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं इंडिया में, कौन सी कमिटी है जिसने रिकमेंड किया है. तो जैसे अब तुम इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इट इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टीवी सोमनाथन कमिटी, persistent demands for old pension scheme led to its formation. तो कमिटी का नाम याद कर लो टीवी सोमनाथन. पेंशन रिलेटेड इंडिया में क्या क्या चल रहा है, तो तीन स्कीम्स हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम. अब इन्होंने नीचे बहुत सारे इनके फीचर्स कंपेयर वगैरह करके दिए हैं, कहाँ पे 50% पेंशन है, कहाँ पे ये, कहाँ पे वो, कहाँ पे गारंटीड. बस एक बार पढ़ लो तुम और उसके बाद इसमें कुछ याद नहीं करना है तुम्हें कि कहाँ पे गारंटीड है कहाँ पे नहीं है, ये सब छोड़ देना. ठीक है, जस्ट रीड इट वंस एंड लीव इट. कमिटी का नाम याद रख लेना क्योंकि वही पूछा जा सकता है, बाकी ये सब नहीं पूछेंगे कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो सब, दैट इज नॉट नेसेसरी. बिकॉज खुद से अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू कॉम्पिटिशन या कंडीशन ऑफ सर्विस डायरेक्टली. हाँ अरुणा पूछना. सो माय क्वेश्चन इज व्हेन वी आर लाइक इन पेपर टू वी आर मेंशनिंग एनी एक्ट फॉर दैट मैटर लाइक टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, शैल वी मेंशन द डेट ऑफ दैट एक्ट टू, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट. नहीं जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है. If you can, जैसे अभी आई जस्ट टेल यू कि जैसे अभी इंडियन ये आईपीसी था, सीआरपीसी था, सीपीसी था, अभी ये सब रिप्लेस हो गया इससे बीएनएसएस से. ठीक है, तो अगर तुम्हें याद रहता है कि आईपीसी किस ईयर का था ये वो, देन इट इज फाइन. नहीं याद रहता है तो नॉट नेसेसरी, यू जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द एक्ट एंड दैट इज सफिशियंट. कोई जरूरत नहीं है ईयर वगैरह लिखने का, बिकॉज ऑलरेडी इफ यू आर मेंशनिंग द एक्ट दैट शोज कि तुम्हें अवेयरनेस है कि कौन सा एक्ट रिलेटेड है, एंड दैट इज सफिशियंट फॉर द एग्जामिनर टू नो कि तुम्हें पता है कि क्या चीज है विच इज रिलेटेड टू दिस, एंड दैट इज इनफ. अगर याद आता है इस आईटी एक्ट आई थिंक 2000 का तो लिख दो, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, फिर इसके बाद न्यूज इन शॉर्ट्स का एक सेक्शन है, उसमें देखोगे ब्लैक कोट सिंड्रोम. कुछ भी काम करनी बस इसमें पढ़ लेना कि यार ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या होता है. फिर आगे इन्होंने व्हाइट कोट हाइपरटेंशन की बात की है, तो बस कंसेप्ट पता कर लो, आगे कुछ इसमें याद वगैरह करने की जरूरत नहीं है. राइट्स ऑफ डिटेन्यू इन प्रिवेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो इसमें देखो केस का नाम दिया हुआ है, दैट इज नेसेसरी. कौन कौन से लॉज हैं इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिलेटेड, ये भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा. बिकॉज अभी अगर तुम बात कर लो तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन रिलेटेड, कौन बताएगा? आर्टिकल 20. ठीक है, एंड उसमें क्या दिया हुआ है? People cannot be like it's their fundamental right. कि अगर कोई exact मुझे याद नहीं आ रहा, but that article उनकार is related. ओंकार बताएगा ये law background से. ओंकार बताना. तो basically preventive detention हमें arrest होने से पहले मतलब एक type से safeguard करता है कि we are not meant to be arrested on mere any grounds. मतलब कुछ तो strong grounds होनी चाहिए. उसके लिए वो हमें safe करता है एक type से. उसके बेसिस पे एक्ट्स हैं अलग अलग, तो वो पढ़ जाना कि कौन कौन सी एक्ट्स हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज होती है. दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज, ये वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. इनके बस नाम याद रख लो, ऑप्शन में आता तो टिक कर देना. और आगे इन्होंने ये सब दिया हुआ कि कौन सा केस था, क्या जजमेंट है और जो उसकी डिटेल्स हैं वो पढ़ लेना.
ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें कुछ नया मिल जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी सब कुछ इसमें काफी कुछ किया जा चुका है, उसको बस पढ़ के तुम्हें दिमाग में रखना कि केस का नाम क्या था। ओंकार बताना। जैसे वो एक रिट है ना, हेबियस कॉर्पस, जो इलीगल हाँ डिटेंशन से जो रिलेट करता है, तो हम इसको इससे रिलेट करके लिख सकते हैं क्या एग्जाम में? मतलब जस्ट फॉर अ रेफरेंस, ये सभी बिल्कुल लिख हेबियस सकते हो कॉर्पस। यार। हाँ और क्या, हेबियस कॉर्पस जो है दैट इज, अगर किसी को इलीगली डिटेन कर लिया तो उसको हाँ रिलीज करवाने के लिए, कोर्ट के रिलीज बिफोर करने प्रोड्यूस के लिए। करने हाँ के लिए, तो यस बिल्कुल लिख ओके सकते हो। ठीक सर। है। हाँ मेन इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, तुम लोग को नॉलेज ऑलरेडी होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन का, बिकॉज दैट इज मेंशन इन फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर इन लक्ष्मीकांत पर से। बट यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान देना है, नंबर वन जो केस का नाम दिया हुआ है, जसीला शाहजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और नंबर टू जो लॉज फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया हुआ है, बिकॉज ये जो लॉज हैं ये एम लक्ष्मीकांत ने मेंशन नहीं है। नंबर टू ये केस रिसेंट है, तो ये भी तुम्हें उसमें नहीं मिलेगा। तो जो नॉलेज ऑलरेडी तुम्हें है उसके ऊपर जो तुम्हें अपडेट मिल रहा है वो लिख लो। बेटर व्हाट यू यू कैन डू इज कि एम लक्ष्मीकांत ओपन करके उसमें ये केस का नाम ही लिख लेना कि इस साल कौन सा केस हुआ था, एंड दैट्स इट। उसके बाद पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ नया नहीं दिया हुआ है सच। ठीक है, तो बस ये हो गया। उसके बाद है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसको पढ़ लेना, इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये भाई इस पे ऐसे आर्गुमेंट कुछ भी पूछा जा सकता है, पुराना टॉपिक है बट नेवरदलेस इट इज इम्पॉर्टेंट। प्ली बार्गेनिंग वगैरह की बात की है, ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसके ऊपर पढ़ लेना, बाकी छोड़ देना इसको। अमेंडमेंट टू रूल 3 ऑफ आईटी रूल्स, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें क्या है कि ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट थी उससे रिलेटेड है, तो करंट अफेयर्स का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। केस का नाम याद रख लेना और हुआ क्या क्या है इसमें ये पढ़ लेना बस, एंड दैट्स इट। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली तुम जब इसको पढ़ोगे तुम्हें याद रहेगा, बिकॉज न्यूज़पेपर में तुमने पढ़ा होगा कि कौन सी हाई कोर्ट रिलेटेड थी, कौन सा टॉपिक से रिलेटेड था, तो दैट इज बॉम्बे हाई कोर्ट फैक्ट चेकिंग यूनिट्स। तो बस वर्ड एसोसिएशन डेवलप कर लो, कौन कौन से राइट्स इफेक्टेड थे वो देख लेना, और वहीं पे हो जाएगा ये। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें इसमें याद रखना पड़े। ठीक है। 23rd लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था, लॉ कमीशन कैसी बॉडी है, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल, इज इट स्टैट्यूटरी, किस टाइप की बॉडी है, कौन बताएगा? लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ओंकार बताना। सर एक्चुअली वो नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉट इवन सेड्यूटरी, वो क्वासी जुडिशियल टाइप बॉडी है सर। एग्जैक्टली, क्वासी जुडिशियल है क्या? बिकॉज आई डाउट इट, मतलब जुडिशियल एंगल से क्या करता है, इट्स नॉट क्वासी क्वासी जुडिशियल। जुडिशियल मतलब जो जो एकदम ऐसे रिजिड या फिर जो आई नो, स्ट्रॉन्ग। मतलब मुझे तो क्वासी जुडिशियल का पता है कि विच परफॉर्म्स एन कुछ उसमें ऐसा काम करता होगा विच इज रिलेटेड टू जुडिशियल बट नॉट प्योरली जुडिशियल, वो तो मैं समझ गया, बट आई डोंट थिंक इट्स क्वासी जुडिशियल वो। ठीक है, मे बी इट इज। तो पॉइंट इज, जब भी तुम कोई ऐसी बॉडी पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है विच जिसके प्रोविजंस एंड ऑल आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यूपीएससी हो गया। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा नीति आयोग कैसी बॉडी है? ये भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था मैंने। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हाँ तो क्या ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इज फाइन, बट इज इट स्टैचुरी बॉडी, कैसी है? एग्जैक्टली, नो सर, इट्स नॉट इवन एक्सेप्टेबल। तो वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनड है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसके लिए एक एक्ट पास हुआ है पार्लियामेंट से, दैट इज स्टैचुरी बॉडी। ठीक है, थ्रू एन स्टैच्यूट ऑफ द पार्लियामेंट। और जो दोनों के लिए नहीं, बस एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या कुछ ऐसे मिनिस्ट्री वगैरह बना देती है, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैचुटरी। तो इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, द नेचर ऑफ बॉडी, जैसे एनएचआरसी क्या है, कौन बताएगा? स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, स्टैट्यूटरी नीति आयोग बता दिया वो तो ऑलरेडी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैसी बॉडीज हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एग्जैक्टली, तो आई होप ये क्लैरिटी आ गई होगी सभी को, जो भी इलेक्शन काम में पढ़ोगे उसमें देखना जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशनड है एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो बस इसको एक बार पढ़ लेना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह देख लेना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुमसे क्वेश्चन से डायरेक्टली पूछा जाए, बट बिकॉज ये अगेन एंड अगेन कॉन्स्टिट्यूट होती रहती है तो पता होना चाहिए तुम्हें कि क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, फिर सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, इसमें कुछ भी जरूरी नहीं है, बस ये दिया है कि भाई जो गवर्नर है उन्होंने ऑफ केरला, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दिया था, बस ये हो गया। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी जरूरी नहीं है इसमें, रीड कर लेना है। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक आएगा दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में नंबर वन पे क्वाड आता है, ठीक है, तो
जब भी कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते हो विच इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल बॉडीज, तो मैंने लास्ट टाइम एक चीज बताई थी, आई वॉन्ट समवन टू जस्ट गो थ्रू दैट अगेन. मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम रिलेटेड टू एनी बॉडीज? कौन बताएगा? हाँ सर, अब बताना. सर आपने बोला था कि उसमें देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है और क्या कहते हैं उनका मेन एजेंडा क्या है और सर अभी तो ये दो याद आ रहा है. चलो मैं बताता हूँ. देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे बहुत सारी मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है. क्वाड का एक बता दिया, एक ओपेक होती है. ओपेक क्या है, कौन बताएगा? पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ये, ठीक है. तो क्या इंडिया इसका पार्ट है, यानी इंडिया मेंबर है कि नहीं ओपीईसी का? नो सर. नो सर. नो सर. नहीं, एग्जैक्टली. तो देखो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे उसमें तुम मेनली दो तरह की बाइफरकेट कर सकते हो. नंबर वन, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट. नंबर टू, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. अगर इंडिया उसका पार्ट नहीं है तो यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू बॉडी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, उसका मैंडेट क्या है, एंड रिसेंटली क्या बड़ा चेंज हुआ है उसमें. उसकी हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें. फॉर एग्जाम्पल अगर ओपीईसी की बात करें, कब बनी थी, कितने मेंबर्स हैं, इस साल कौन सा मेंबर ऐड हुआ, इतना डिटेल में उसको देखने का जरूरत नहीं. यू शुड जस्ट नो द मैंडेट एंड लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, अगर इंडिया पार्ट नहीं है. नंबर टू, अगर इंडिया पार्ट होता है तो ऑब्वियसली यू नीड टू गो इन टू डिटेल्स, ठीक है. डिटेल्स मतलब क्या, अगर इंडिया पार्ट है किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑर्गेनाइजेशन कब से स्टार्ट हुई थी, कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, रीसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ है, उसका मैंडेट क्या है और इंडिया का क्या रोल है, एंड रिलेटेड कि इंडिया के लिए वो कितना अच्छा रहा है, कितना बुरा रहा है, ये सब चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी डिटेल से. तो क्वाड में ऑब्वियसली इंडिया एज अ मेंबर, उन्होंने सब बताया हुआ है, इसका पढ़ लेना कि भाई न्यूज में क्या क्या चला था, की अनाउंसमेंट्स क्या क्या हुई थी, इसको तुम्हें थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. जो इनके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, जैसे लास्ट टाइम बताया था मूनशॉट एक दिया हुआ है, हेल्थ सिक्योरिटी क्वाड कैंसर मूनशॉट. अब मे बी दे कैन आस्क आस्क अ क्वेश्चन कि मूनशॉट किससे रिलेटेड है, तो क्या बताओगे? ऐसे तो सुन के लगे कोई स्पेस प्रोग्राम होगा, बट ये क्वाड कैंसर मूनशॉट है, इट इज रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर. तो ये सब चीजें पढ़ लेना कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं इसमें. आगे तुम देखोगे तो इन्होंने ये भी दिया था मैत्री वगैरह कुछ इनिशिएटिव, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक. तो जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव्स हैं उनके नाम, मेंबर्स के नाम, ये सब याद कर लेना. हिस्ट्री बताइए उनका, क्वाड का देख लेना, ग्लोबल सिग्निफिकेंस दिया है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, ये सब पढ़ लेना, ठीक है. सारे ऑर्गेनाइजेशन का करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा मत करना कि तुमने गूगल पे सर्च किया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, वो तुम्हें हजार लिस्ट दिखा दी उसने, और तुम सब पे रिसर्च करने मत बैठ जाना. जितना विजन है इसकी मैगजीन में आ रहा है उतना अच्छे से कवर कर लो. एनसीईआरटी में भी तुम्हें काफी मिल जाएगा, जो पॉलिटिकल पॉलिटी वाली एनसीईआरटी है, इंटरनेशनल पॉलिटी वाली, ठीक है, उसमें तुमको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी. उतना ही पढ़ लेना, खुद से रिसर्च करने मत बैठ जाना. इफ यू कम अक्रॉस सम ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में मेंशन है, विजन आईएस में आ जाएगा, उसको पढ़ लेना. नहीं आता है तो तुम खुद से थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, बट वो लिस्ट बनाने मत बैठ जाना कि सारे ऑर्गेनाइजेशन का मैं पढ़ डालूंगा, बिकॉज वो एंडलेस काम है, उसका कोई बॉटम नहीं है, करते रह जाओगे, ठीक है. तो इसको तुमने पढ़ लिया, चैलेंजेस वगैरह देख लेना, इंडियाज कंसर्न्स क्या क्या, ये सब दिया हुआ है. बस गिव इट अ रीडिंग, अपने पॉइंट्स तैयार रखो. जो कीवर्ड एसोसिएशन वाला गेम है दैट इज नेसेसरी फॉर पेपर वन, जो बाकी पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट इज नेसेसरी फॉर पेपर टू. तो उसी हिसाब से तैयारी करना, ठीक है. इसके बाद है इंडियाज रोल इन कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ये प्योरली पेपर टू का टॉपिक है, एक बार इसको पढ़ लेना, इसमें बहुत सारी चीजें दी होंगी, बट ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि डायरेक्टली तुमसे पूछा जाए. तो बस इसको एक बार रीडिंग कर लेनी है, उसके बाद खत्म कर देना, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. इंडियाज हिस्टोरिक इफर्ट्स इन पीस मेडिएशन, एक बार इसको देख लेना कि पहले क्या क्या किया हुआ इंडिया ने. फिर है इंडिया सिंगापुर रिलेशंस. अब देखो होता क्या है, कोई भी नेशन है, बहुत सारे नेशंस होंगे टोटल वर्ल्ड में, पता नहीं अभी कितने हैं, आई डोंट रिमेम्बर किया क्या है. तो इंडिया के साथ सभी के ऑलमोस्ट बायलेटरल रिलेशंस होंगे. तो कई लोग क्या पूछते हैं कि सर क्या इस कंट्री का इसके साथ, उसका इसके साथ तैयार करें? नॉट नेसेसरी. जो इंडिया के की बायलेटरल रिलेशंस हैं, इंडिया यूएस हो गया, इंडिया यूरोप, इंडिया चाइना, अभी इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया रशिया, ये सब तो तुम लोग मतलब तैयार कर लो अच्छे से.
इसके अलावा इंडिया सिंगापुर नॉट नेसेसरी कि तुम इस पे बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ लो, बस ये देख लो बिकॉज हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कहीं विजिट करते हैं तो वो इम्पोर्टेंस में आ जाता है। एक साल में मैक्सिमम 10 या 12 नेशंस विजिट करेंगे, उनको तैयार कर लेना, बस जितना विजन आईएस में दिया है वो, रिसर्च नहीं करना है अपना, ठीक है, पढ़ लेना इसको, कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह साइन करते रहते हैं। देखो जैसे की आउटकम्स में देखना, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई है, तो अब अलग अलग नेशंस के साथ अलग अलग साइन करते हैं, सीई सी ए साइन करेंगे, कुछ और साइन सीईपीए भी साइन कर देंगे, अलग अलग नाम होते हैं सबके, तो बस कीवर्ड एसोसिएशन रखना है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगर नाम आता है इस साल सिंगापुर के साथ इंडिया ने साइन किया हुआ है। तो बस ये सब हो गया। अब ये जो ज्योग्राफी है दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे मतलब तुम्हारे गल्फ हो जाएंगे, बहुत सारी सीज के छोटे छोटे नाम हो जाएंगे, कंट्रीज बहुत सारी स्टैक्ड हैं एक दूसरे के ऊपर, ब्रुनेई बहुत छोटा सा है, उसके नीचे मलेशिया है, फिर सिंगापुर, थाईलैंड, इन सबका लोकेशन तुम अच्छे से देख लेना ज्योग्राफी में, जो मैंने बताया था कि यू शुड पुट अ फिंगर ऑन द नेम कि कहाँ पे कौन सी चीज है, वो एबिलिटी डेवलप कर लेना इसमें, सारे सीज के ना कंट्रीज के नाम ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी वही आर्टिकल जस्ट गिव इट अ रीडिंग, नथिंग कि तुम उसको याद करने बैठ जाओ, बट ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज अरेंजमेंट, सोसा एसओएसए, अब ये इंडिया यूएस का साइन हुआ है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यूएस के साथ इंडिया का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, तो इसमें तो तुम्हें बॉल बाई बॉल पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो अब इन्होंने पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। अब क्या है कि एसओएसए हुआ है, वैसे एक एलईएमओए था, वो क्या है बताओ, एक साइन हुआ था पहले, हाँ सौर बताना, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने के से रिलेटेड कुछ था, तब बेसिकली लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट था, ठीक है, एलईएमओए बोलते थे, उसी के बाद इससे बिल्डअप हो रहा है। तो जो भी एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, और जैसे तुम्हें बस ये याद रखना है एलईएमओए में कि समथिंग रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स है, ठीक है, वो सारे नाम याद रखो, किस नेशंस के साथ साइन हो रहे हैं वो याद रखना है, और इसको पढ़ लेना, इसके ऊपर एग्जैक्टली लेटर से एसओएसए के ऊपर ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा तो आएगा इंडिया यूएस मतलब बायलेटरल रिलेशंस पे आ सकता है, इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप पे आ सकता है, इंडिया यूएस इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे आ सकता है, ऐसी चीजों पे ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो पेपर वन के हिसाब से अगेन वर्ड एसोसिएशन एंड पेपर टू के हिसाब से जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म चल रहा है वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है, तो इसको पढ़ लोगे तो ये भी टॉपिक हो जाएगा तुम्हारा। फिर इंडिया पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, अब इसके 5 साल पूरे हुए हैं तो इन्होंने उस पर दिया हुआ है, पढ़ लेना, बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे अंदर, इंडिया का खुद का इनिशिएटिव है, पार्ट है उसका, तो फिर इन चीजों को ध्यान से पढ़ लेना। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में किस, अब जैसे इसके तो 5 ही साल पूरे हुए, दिस इज वेरी रिसेंट, तो इसका तो तुम्हें याद होना चाहिए 2019 में स्टार्ट हुआ था, बट कोई ऐसे जो बहुत पुराना चल रहा है, किस साल में बना था, उस टाइम कौन से मेंबर्स थे, अभी कौन से मेंबर हैं, छोटे छोटे एग्रीमेंट्स के लिए, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स के लिए ये सब याद रखना जरूरी नहीं है। जैसे एक आईएसए है, आईएसए क्या, कौन बताएगा, इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, सोलर अलायंस, सोलर अलायंस स्पेस में क्यों जा रहे हो जब वहां पे अलायंस वगैरह की बात हो रही है, इनिशिएटिव्स की, स्पेस एजेंसी में पहुंच जाइए जो भी। तो पॉइंट क्या है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका क्या हिस्ट्री है, कौन बताएगा, सर इंडिया एंड फ्रांस took the initiative to make this alliance and अभी तो बहुत सारे countries one by one जुड़ रहे and इसका headquarter है गुरुग्राम में and India is the key leader like one of the leader who is leading this like alliance and अभी recently एक MOU sign हुआ था एक country के साथ African country के साथ जो भी जुड़ रहा है ISA के साथ तो अब and China is leading in the solar like panel implementation or jo bhi to south east nation like southeast asian nation kafi piche hai apart from china to implement this solar thing jo bhi hai aise ke dauran sir adding to this matlab india ka target hai 500 gigawatts ka 2030 tak nahi bas aise ki baat karni hai abhi baki chhodo। देखो पॉइंट क्या है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इफ समथिंग इज रीसेंट, जैसे आईएसए रीसेंट है तो तुम्हें थोड़ा सा का हिस्ट्री पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस ने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, कौन बताएगा, 2015
जब ये UNFCCC का कन्वेंशन होता है दैट वाज हेल्ड इन पेरिस, तब अडॉप्ट किया था इंडिया फ्रांस ने मिलके, ठीक है। अब क्या है इसमें, जैसे तुम्हें ये बताना चाहिए कि ये जो ISA है क्या ये फाइनेंस रिलेटेड है, क्या ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, क्योंकि अगर कोई एजेंसी बनती वो या तो काम खुद करेगी या तो काम करने के पैसे देगी, तो ये सब तुम्हें पता होना चाहिए कि फाइनेंस दे रही है या टेक्नोलॉजी दे रही है। नंबर टू, कितने मेंबर्स हैं। अभी करंटली न्यूज में ये भी था कि इंडिया के पास अगेन शायद इसका वो आया प्रेसिडेंसी की, इंडिया ही रहेगा इसका हेड पे। तो ये सब जो भी करंट डेवलपमेंट्स होने वो तुम्हें पता होना चाहिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इफ इट इज अ रीसेंट। बट लेट अस से कोई ऐसा इनिशिएटिव जो 1970 से चल रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किसी को याद ही नहीं होगा अभी क्या चल रहा है, भाई वो खत्म हो चुका है उसका काम, तो उसका तुम्हें पूरा हिस्ट्री पता नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, व्हाट वाज इट रिलेटेड टू, एंड व्हाट डिड इट अचीव। ठीक है, क्या था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन बताएगा? ठीक है, चलो देखना है इसको, बिकॉज अभी न्यूज में नहीं आता, अभी उसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है, देख लेने से। तो पॉइंट इज कि आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा कि जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं तुम्हें उसको किस हिसाब से याद रखने हैं। ऐसा नहीं कि सबको सेम डेप्थ पे पढ़ना है, बट जिसमें इंडिया इज इन अ लीडिंग रोल, जिसमें इट इज रीसेंट, जिसमें इंडिया टुक द इनिशिएटिव, उसके लिए तुम्हें डेप्थ में पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंडो पैसिफिक वगैरह की बात की है, अगेन इस रीजन की ज्योग्राफी तुम लोग को पता होनी चाहिए। इसमें जो छोटा सा पोर्शन था साउथ ईस्ट एशिया वाला, वो ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। अब ये जब मैप देखोगे मेडागास्कर कहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, ये सब चीजें तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। किसी का कौन सा नाम है, पोर्ट डार्विन कहाँ पे है, ये वो सब देख लेना। पॉइंट इस, अब इसी रीजन में तुम्हारा वो भी आता है जो एल नीनो एनसो वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सब देख लेना अच्छे से। बेस्ट तरीका वही एटलस रखना, उसे रेफर कर लेना। फिर सिग्निफिकेंस वगैरह की बात की है, इंडिया पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव वगैरह की, ये सब देख लेना, तो ये तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा। अगेन पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर वन में दे कैन आस्क व्हाट एसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आता है तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, एक गैस पाइपलाइन बिछानी है, बहुत पुरानी चल रहा है ये, अभी तक हो नहीं पाया, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या जरूरी है आता है, ये जो मैप दिया हुआ है कहां से स्टार्ट हो रही है, किस किस कंट्रीज से पास हो रही है, इंडिया में कहां तक आ रहा है, ये सब चीजें। अब कहां से पास हो रहा है ये तो जरूरी है पता होना है, कहां नहीं से पास हो रही है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ताजिकिस्तान से पास नहीं हो रही है, ये वाले जो CIS बोलते हैं, CIS क्या होता है, व्हाट इज CIS एंड व्हाट इज फुल फॉर्म, कौन बताएगा? Someone should be able to answer, yeah, CIS क्या है, क्या भाई हर्षवर्धन तुम बताओ? मेरी वॉइस आ रही सबको या कोई इशू है? सर आ रही है। तो CIS क्या है, कौन कोई बता ही नहीं रहा है? बेसिकली पहले USSR था, ठीक है, वो जब ब्रेकडाउन हुआ है तो उसमें रशिया बना है प्लस अदर कंट्रीज हैं। CIS इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, शायद यही है। तो इसमें जो ये सारे नेशंस है ना, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये सारी कंट्रीज विच वर अर्लियर पार्ट ऑफ USSR बट उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गई, वो कंट्रीज हैं CIS। भाई पढ़ लो यार, पॉलिटी की NCERT अभी तक तुम लोगों ने पढ़ी नहीं है, सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो पॉइंट है, तो उन नेशंस का भी तुम लोग को ज्योग्राफी पता होना चाहिए। तो इसमें भी बस इतना ही है, तुम बस ये देख लो कि कौन से प्रोजेक्ट है, कहां से आ रहा है, कहां से पास नहीं हो रहा है, वो सब देख लेना। न्यूज इन शॉर्ट्स में IPEF की बात की गई है, इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इन सब पे देख लेना भाई, बस रीडिंग करना है, बहुत जरूरी नहीं है। इसके बाद देखोगे तो पैसिफिक आइलैंड फोरम की बात की गई है, अगेन वही कि इंडिया पार्ट है या नहीं, अगर इंडिया पार्ट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस मैंडेट पता रखो कब से चल रहा है क्या है, बस इतना, ठीक है। तो इसमें इंडिया पार्ट नहीं है, हो गया काम। UN adopts pact for future at UN summit for the future, तो UN summit for the future क्या है ये देख लेना, बाकी पैक्ट वगैरह लेटेस्ट क्या हुआ है यू जस्ट स्टे अपडेटेड विद इट, ठीक है। इंडिया GCC adopt action plan for joint activities, अब GCC क्या है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इंडिया पार्ट है क्या, नहीं है, तो जो मैंने बताया बस वही पढ़ लेना है,
इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है ये देख लेना इसमें, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में तुम उसको देखने की जरूरत नहीं है, जीसीसीसी का इन्होंने बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है बस ये हो गया। इंडिया ब्रुनेई दरअसलाम एलिवेट बायलेटरल टाइज टू एनहेंस पार्टनरशिप, तो बस ये पता रखो कि इस साल इंडिया ने ब्रुनेई के साथ एनहेंस पार्टनरशिप किया है, अपना जो भी बायलेटरल टाइज है। ज्योग्राफी से वेल वर्स्ड रहो, ब्रुनेई कहां पर है जो भी बात हो रही थी कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है। और ये पहला विजिट था इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, तो बस एक बार पढ़ लेना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें याद रखना पड़े। इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नॉट नेसेसरी, G4 नेशंस के बारे में पढ़ लेना, अब ये क्या है बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं, बट तुम्हें G4 पता होना चाहिए बिकॉज ब्राजील जर्मनी इंडिया एंड जापान है, हर साल कुछ ना कुछ आएगा, बट तुम इसका बैकग्राउंड पता रखो बस, दैट्स इट। मिलिट्री डिप्लोमेसी की बात की गई है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, दैट क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस का है इसके बाद, ये पढ़ लेना बिकॉज मिलिट्री एक्सरसाइज में तुमको क्या ध्यान देना है, नंबर वन इंडिया किस नेशन के साथ कर रही है, बाकी नेशंस कोई आपस में करते हैं दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट लेट अस से कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई करता है मिलिट्री एक्सरसाइज तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, अगर इंडिया पार्ट नहीं है तो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट इंडिया के आसपास कुछ हो रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑपरेशन सद्भव बस पढ़ लेना इसको, नदर्न यूनाइटेड 2024 ये चाइना और रशिया का है, तो ये जो अगेन जो ज्योग्राफी का मैप दिया हुआ है रशिया और चाइना का जो सी ऑफ ओकोत्स्क है, तो उसको बस पढ़ लेना है, बाकी वो जो ज्योग्राफी है कि भाई इधर रशिया है फिर उधर तुम देखोगे तो यूएस आ जाता है बीच में, बेरिंग सी बेरिंग सिटी सब पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी तुम पता रखना बट नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ये जो इसराइल वगैरह का चल रहा है भाई ये पढ़ लेना, ठीक है। वॉइस लैग हो रही है, वॉइस में लैग आ रहा है, वॉइस आ नहीं रही है सर? आ रही है, आ रही है, मे बी सर बताने का फिर से क्या इशू है सर? बीच बीच में वॉइस अभी ये नॉर्दर्न यूनाइटेड वाला आप जब बता रहे थे तो मतलब बहुत ज्यादा वॉइस कट रही थी, ठीक है कुछ नेटवर्क इशू होगा बट आई थिंक ओवरऑल तो स्मूथ होना चाहिए आज, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा सेटअप चेंज किया मैंने आज, ठीक है। तो बेसिकली आई वाज सेइंग कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ये नेसेसरी हो जाता है, ये जरूरी है बिकॉज अभी इजराइल और वो सब चल ही रहा है, तो उसको एक बार पढ़ लेना है, बाकी जो करेंट डेवलपमेंट है वो सब तुम लोग को पता होंगे। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन वगैरह नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद इकोनॉमी पे आते हैं, इकोनॉमी में जब देखोगे तो इसमें बात कर रहे हैं ये, हाँ अभिमन पूछना। सर अभी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो क्वेश्चन आया तो सर हम लोग के सिलेबस में तो वर्ल्ड हिस्ट्री तो नहीं है भाई, पॉइंट इज इफ यू जस्ट स्टिक विद द सिलेबस इट विल बिकम डिफिकल्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है वो, बट दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ना, करंट इवेंट्स रिलेटेड टू नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, हो गया, दैट इज कोड इन दैट, समझ रहे हो? Yes. देखो सिलेबस इज जस्ट अ गाइडलाइन, तुम अगर सिलेबस पे ओवर रिलायंस करोगे ना तो इट विल बिकम डिफिकल्ट, तुम्हें क्या ध्यान देना है कि अगर इट इज इम्पोर्टेंट तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली साउथ अमेरिका की हिस्ट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज अभी साउथ अमेरिका के रिलेटेड ग्लोबल लेवल पे कुछ चल ही नहीं रहा है इतना, ठीक है। बट अब ये जैसे अब लेट अस से कि भाई मेरी वॉइस सबको आ रही है या नहीं आ रही है, क्या क्या सीन है मुझे ये बताओ, बिकॉज हर्षवर्धन जी बोल रहा है कि वॉइस नहीं आ रहा है मेरा। आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है, ठीक है, तो मे बी सम देयर सम इशू तो लेटर ऑन देख सकते हो। पॉइंट इज आई वाज सेइंग कि भाई देखो सिलेबस पे ओवर रिलाय नहीं करना है, बिकॉज पॉइंट क्या है कि अब लेटर से कि तुम अगर लेटर से तुम ये छोड़ देते हो कि इसराइल कैसे फॉर्म हुआ था, तुमने छोड़ ही दिया, मुझे तो नहीं जानना क्योंकि ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है एंड दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, तो मैं नहीं पढ़ूंगा, ऑब्वियसली दैट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट दैट इज नेसेसरी बिकॉज तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए बस कि ठीक है इसराइल कैसे फॉर्म हुआ था, जेनोसाइड तो जर्मनी हुआ था, फिर वहां से वो लोग वहां गए थे, वहां पे इनको इश्यूज आए, उनको लैंड नहीं मिल रही थी, फिर उसके बाद इसराइल कैसे स्टेट फॉर्म हो गया, गोलन हाइट्स में क्या हुआ था, डेड सी कहाँ पर है, ये वेस्ट बैंक कहाँ पर है, गाजा किधर है, तो ये सब उन लोगों को पता रखना पड़ेगा, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जो वहां पे एक्टिव हो रखती है, बिकॉज ये करेंट अफेयर से रिलेटेड डेवलपमेंट है। बट लेटर से तुम बात करते हो साउथ अमेरिका की, वो कोई नेसेसरी नहीं बिकॉज वहां पे करंट कोई इतना मेजर डेवलपमेंट नहीं चल रहा है, अब
अगर तुम बात करो तो फॉकलैंड वॉर्स भी आ जाएंगे, वो हुए थे क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू करंट डेवलपमेंट। बट करंट डेवलपमेंट कहीं हुआ है तो यू शुड नो अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि क्यों हो रहा है, बस दैट्स इट। ठीक है, एंड वो ऑब्वियसली इसमें आएगा विजन आईएस में, ठीक है, पीछे का देखोगे तो उसमें मिल जाएगा तुम्हें, बट नहीं मिलता है तो एटलीस्ट खुद से देख लो कि भाई हिजबुल्ला क्या है, हमास क्या है, कब बने थे। बस ये तो नेचुरल क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन है ना कि इसराइल आज ऐसे कैसे बन गया, भाई ये पता होना चाहिए तुम्हें। अब अगर अरब स्प्रिंग की बात करोगे तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उससे रिलेटेड अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को जो मैं बता रहा हूँ? विमान इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, माई पॉइंट इज करेंट अफेयर्स रिलेटेड वर्ल्ड हिस्ट्री बिकम्स इम्पोर्टेंट, नॉन करेंट अफेयर्स रिलेटेड वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, दैट इज इकोनॉमी की बात करोगे तो रीजनल डिस्पैरिटी डेवलपमेंट की बात की हुई है। अब ये नीति, ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर का वर्किंग पेपर है, ये सब बेकार है। यू डो नॉट नीड टू नो कि ये क्या है भाई, ये नीति आयोग ने नहीं दिया है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जो की ट्रेंड्स दिए हुए हैं, जब इसको पढ़ोगे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न रीजन है दैट इज मोर डेवलप्ड देन ईस्टर्न, सदर्न इज मोर डेवलप्ड देन नॉर्दर्न, वेस्ट बंगाल में डिक्लाइन हुआ है, उड़ीसा में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये सब जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के ट्रेंड्स हैं, ये सब तुम लोग को पता होने चाहिए। तो इस आर्टिकल से बस यही पढ़ने का जरूरत है, बाकी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो ये भी आर्टिकल तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा। बाकी उन्होंने फैक्टर्स बताए हैं, गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज बताए हुए हैं, बस ये पढ़ लेना इसको। इसके बाद है इनिशिएटिव्स टू एलिमिनेट रीजनल डिस्पैरिटी इन ग्रोथ, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट, वोकल फॉर लोकल, ये सब इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं। ये सारे इनिशिएटिव्स क्या हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, कोर ऑफ द कोर, कोर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो तुम्हें बस पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, व्हाट आर दे रिलेटेड टू एंड व्हाट इट डज, कैसे करता है। ठीक है, तो जो भी ये इनिशिएटिव्स के नाम दिए हैं इसमें बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, अगर तुम लोग को बैकग्राउंड पता है अच्छे से, नो नीड टू लुक एनी फर्दर, बस पढ़ के निकल जाना। जिसको नहीं पता कि ये सब क्या दिया हुआ है, जस्ट डू अ क्विक गूगल सर्च और देख लो भाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या है, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव क्या चीज है। ठीक है, तो उसको कर लेना, अदरवाइज ये सारे जो टॉपिक्स है ना ये कवर होते हैं विजन आईएएस में, बिकॉज थिंग्स विल रिपीट एंड यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ दिस, नहीं तो जो मृणाल का इकोनॉमिक लेक्चर से उसमें कवर किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये दिस टॉपिक इज प्योरली पेपर टू रिलेटेड, मे बी एक ऐसे पूछ सकते हैं कि डिस्पाइट इतना इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस देयर आर रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडियास ग्रोथ स्टोरी, तो इस पे कैसे पूछ सकते हैं, तो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दोस काइंड ऑफ एसेस। ठीक है, मिडिल इनकम ट्रैप की बात की हुई है, लास्ट वीक ही मैंने पूछा था कि ठीक है इंडिया का GNI पर कैपिटा कितना है, US का कितना है, चाइना का कितना है, तो ये सारे जो डेटा है तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इंडिया का पर कैपिटा GDP 2500 है, US का अराउंड 80,000 है, चाइना का कितना है कौन बताएगा? देखा तो सौरभ ने एग्जैक्टली कितना है, 13,000 सर। संकल्प तुम बताना, अप्रोक्स 13,000 कुछ तो है, 13,000। ठीक है, तो पॉइंट इज ये सारी डेटा तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ऑब्वियसली डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आने वाला पेपर वन में, बट जब तुम पेपर टू की बात करोगे एंड कहीं पे डेवलपमेंट की, ग्रोथ की, इंडिया के प्रोग्रेस की बात हो रही है, डिस्पाइट ऑल द रेटोरिक जो चल रहा है कि भाई इंडिया इज अ शाइनिंग स्पॉट, ये वो सब चीजें जो भी चल रही है, इंडिया इतना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है, एब्सोल्यूट नंबर्स में जब तुम देखोगे तो भाई इंडिया का 2500 विल फेड इन कंपैरिजन टू US का 80,000। ठीक है, ये सब चीजें तुम्हें अपने ऐसे में यूज करना पड़ेगा। सेकेंड क्या बात है, ये जब तुम पढ़ोगे वाई इन द न्यूज, इसमें इन्होंने लिखा है कि वर्ल्ड बैंक रिलीज द रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडिल इनकम। अब जब ये देखोगे तो इसमें दो चीजें हैं तुम्हें, नंबर वन जो भी रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सारे जो UN का कोई UNDP वगैरह, ऐसी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं विच आर रिलेटेड टू इंटरनेशनल मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP, ये सब, उन सबका तुमको नाम याद होना चाहिए रिपोर्ट्स का। ठीक है, नंबर टू कौन सा रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, एंड नंबर टू तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस साल का थीम क्या था। सपोज एक क्वेश्चन ये बन सकता है इस पे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, चार ऑप्शन दे सकते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। नंबर टू थीम क्या है इस साल का, थीम है मिडिल इनकम। ठीक है, तो रिपोर्ट्स का तुमको ये याद होना चाहिए। उसके बाद जो भी इसमें बात
कर रहे हैं, इसको बस पढ़ लेना। मिडिल इनकम ट्रैप क्या है कि भाई ठीक है, लो इनकम से आते हो, मिडिल इनकम में ट्रैप हो जाते हो, हाई इनकम में जाना मुश्किल हो जाता है। लिमिट्स वगैरह दी हुई है इन्होंने, पढ़ लेना इसको, जो रीजन है वो दिए हुए हैं और क्या करना चाहिए। तो अगेन पेपर टू रिलेटेड बन सकता है। पेपर वन के लिए वर्ड एसोसिएशन तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन इन 10 ईयर्स ऑफ जनधन योजना पढ़ लेना, जनधन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है उस पर बात की हुई है, और जो भी डिटेल्स है इसमें कि अचीवमेंट क्या थी, ये सब पढ़ लेना है। डेटा याद करने का जरूरत नहीं है, बट सिग्निफिकेंस ऑफ, जैसे अगर तुम देखोगे ओवरऑल, तो जनधन योजना लॉन्च हुई थी, अभी इसको 10 साल हुए, ठीक है। तो जब लॉन्च हुई थी तब क्या प्रोविजन थे, आज का क्या अपडेट है, एंड दैट्स इट। अब इसमें कोई नया न्यूज आता है कि इस साल 4 करोड़ बैंक अकाउंट ऐड हुए थे, नॉट नेसेसरी, बट तुमको प्रोविजन पता होना चाहिए कि जनधन अकाउंट इज अ नो फ्रिल्स अकाउंट, ओपन कराने के लिए क्या क्या किया गया था, क्या क्या इसके प्रोविजन थे। बस इसको एक बार पढ़ लेना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का डिटेल ले लेना, बट बॉल टू बॉल कमेंट्री याद करने का तुमको जरूरत नहीं है कि इस साल इतने अकाउंट ऐड हुए, उस साल इतने ऐड हुए, इतने जीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स हैं, इतने, ये सब मत याद रखना, ठीक है। फिर लास्ट में इन्होंने जनधन योजना का पूरा डिटेल दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। 50 ईयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस होता है जो कोई छोटे मोटे लोन जिसको मेन स्ट्रीम बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स नहीं देंगे, उसके लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं। वो क्या करते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट लेते हैं लेकिन छोटा छोटा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो पढ़ लेना इसको, क्या पता होना चाहिए, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, उसका नाम दिया हुआ है, नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया था ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश इन 1976। इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है, इंडिया की कौन सी कमेटी रिलेटेड थी, तो मालिगम कमेटी है, ठीक है। तो बस इसमें वही वर्ड एसोसिएशन डेवलप कर लेना, बाकी बहुत डिटेल पढ़ने का जरूरत नहीं। सिग्निफिकेंस तो ऑलरेडी पता ही चल जाएगा पड़ेगा कि भाई जो ऐसे होते हैं अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड क्लाइंट्स, जिनको छोटा रिक्वायरमेंट है एंड दे कैन नॉट बी सर्व्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, उनके लिए माइक्रो फाइनेंस है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको जब पढ़ोगे तो तुम्हें ये क्लैरिटी होनी चाहिए इंडिया में कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, कितने अप्रूव हुए हैं, प्लस कहां से कहां जा रहे हैं। अगर तुम देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में एक भी नहीं है, प्लस एक वो ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि तुम्हें 2 मेजर सिटीज के नाम दे देंगे और बोल देंगे क्या ये कनेक्टेड है कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से। तो बस ये तुम पता कर लेना, सिग्निफिकेंस वगैरह दिया हुआ है, कौन सी इसमें नोडल एजेंसी है, ये सब पढ़ लेना बस। लेकिन एक एक चीज याद मत करना कि कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस साल में बना था, कितने किलोमीटर लंबा, इतना डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। वाधवान पोर्ट का बात किया गया है, कहाँ पे हुआ है, ये सब पढ़ लेना है इसका, ठीक है। मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको अपडेट कर लेना, ठीक है। मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट जो भी बात कर रहे थे, ठीक है। इश्यूज क्या क्या है इनको पढ़ लेना, क्या क्या इनिशिएटिव हुए पोर्ट सेक्टर के लिए, ये दिया हुआ है। गलाथिया पोर्ट के बारे में बात की हुई, बेसिकली क्या है कि व्हेनेवर यू कम अक्रॉस सच स्कीम्स, तो तुम्हें स्टैटिक पोर्शन पे क्लैरिटी होना चाहिए, नंबर टू करंट में क्या क्या हुआ है वो पता रखो बस, बट एक एक फैक्ट या डेटा मत याद रखना। ई ड्राइव स्कीम की बात है इसके बाद, अब ई ड्राइव क्या है, देखो पहले फेम वन आया, फिर फेम टू आया, उसके बाद ई ड्राइव आया है, तो तुम्हें एक तो सबके पता होना चाहिए कि पहले क्या था, आज क्या चल रहा है। नंबर टू, ई ड्राइव हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कीम्स, जैसे क्या था फेम वन फेम टू में फोर व्हीलर्स के लिए भी सब्सिडी होती थी, बट ई ड्राइव में इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो ये मेजर डिफरेंस है। बाकी की फीचर्स पढ़ लेना, हाउ इज इट डिफरेंट, वो सब दिया हुआ है, क्या टारगेट्स हैं इसमें। देखो अगर तुम देखोगे टारगेट में तुम्हें दिख जाएगा सपोर्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर एंड ई बसेस, इंस्टॉलेशन ऑफ 22,100 फास्ट चार्जर्स। अब ये जो फिगर है 22,100, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट नीड टू नो द ओवरऑल टारगेट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसमें अचीव करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। की फीचर्स याद रख लेना इसके, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो बस पढ़ के यू शुड जस्ट नो कि ई ड्राइव का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा है, फीचर्स क्या क्या हैं, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इट्स प्रीडिसेसर्स, ठीक है, और कब तक फोर्स में रहेगा, दैट्स इट।
वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अगेन बस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का नाम याद रखना एंड व्हाट इज इट रिलेटेड टू मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फाइनेंस नेटवर्क अगेन इंडिया ज्वाइन द यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप तो इंडिया ने ज्वाइन किया है तो उसको अपडेट कर लेना बट बहुत ज्यादा हिस्ट्री में मत जाना रिसेंट इनिशिएटिव है पढ़ के बस इसको दिमाग में रखना है कि ठीक है इंडिया ने ज्वाइन किया एंड व्हाट इज इट अबाउट दैट्स इट बाकी देखो व्हेनेवर यू रीड विजन आईएस बहुत ज्यादा डिटेल में रहती हैं चीजें अब तुम्हें ये फिल्टर करना पड़ेगा कि मुझे क्या याद रखना है और क्या नहीं याद रखना है ये कैसे डेवलप होगा दिस विल डेवलप जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहोगे बार बार ठीक है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के तुमको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाता है अब जैसे स्टील सेक्टर इन इंडिया की बात की हुई है रियली कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि ठीक है स्टील सेक्टर में क्या चल रहा है इंडिया में खुद की स्टील कंपनीज हैं बट उनका क्या है भी कि चाइना से भी बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है तो वो सफर कर रही एंड दैट्स इट अबाउट स्टील सेक्टर बाकी जब तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें स्टील प्लांट्स कौन सा कब सेटअप हुआ था किसके कोलैबोरेशन के साथ हुआ था ये सब तुम्हें उसमें मिल जाएगा तो ऐसे ही आर्टिकल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है तुम्हें डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर की बात की गई है तो भाई व्हाइट रेवोल्यूशन पहले एक चला था फिर अभी व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 आया है तो बस ये पढ़ लो भाई व्हाइट रेवोल्यूशन पहली वाली किसके बारे में थी 2.0 में क्या अलग किया है हमने और जो मेजर नेम्स एसोसिएटेड होते हैं जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन अगर 1 की बात करोगे उससे कौन सा नाम एसोसिएटेड है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का तुमको ये पता होना चाहिए उसमें क्या क्या काम हुए थे ये सब पता होना चाहिए बट अगर तुम देखोगे ऑपरेशन फ्लड वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 3 फेजेस फेज 1 फेज 2 फेज 3 ये सब याद करने का जरूरत नहीं है जस्ट नो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट हुआ था इम्प्लीमेंट किसने किया था कौन सा साइंटिस्ट एसोसिएटेड था बस दैट्स इट 3 फेज में कहां कहां पे ये सब कुछ जरूरी नहीं है तुम्हें न्यूज इन शॉर्ट्स वगैरह में देखोगे तो फाइनेंशियलाइजेशन वगैरह की बात की है अब इसमें क्या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रेज्ड कंसर्न अबाउट एक्सेसिव फाइनेंशियलाइजेशन इन इंडिया भाई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस पे ठीक है तुम्हें बस पता होना चाहिए कि फाइनेंशियलाइजेशन होता क्या है ठीक है फिर एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग ऑन फूड फॉल्स बिलो हाफ नथिंग इंपॉर्टेंट भास्कर इनिशिएटिव फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अब तुम्हें पता होना चाहिए कि भास्कर इनिशिएटिव क्या है कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड एंड ये क्या करने वाला है एंड इक्वली इंपॉर्टेंट इज ये क्या नहीं करने वाला है ठीक है जो मैं बोलता हूँ कि तैयारी में हमेशा एक इनवर्स पर्सपेक्टिव भी रखो कि ये क्या करता है और क्या नहीं करता है जैसे अभी आई वाज सेइंग कि जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा क्या ये फंड ट्रांसफर करेगा और अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो क्या ये फंड ट्रांसफर नहीं करेगा सेम फॉर दिस ऐसे ही हर चीज को याद रखना ठीक है इनिशिएटिव्स फॉर स्टार्टअप्स इस पे एक ऐसे टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया हैज अ थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम यू कैन राइट एन एसे ऑन दिस ठीक है वो तैयार कर लेना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से लास्ट टाइम बताया था कि सारी बैंक्स कुछ ना कुछ लेंडिंग कर रही होती हैं अब क्या किया है उसमें इन्होंने कोटा लगाया है कि कुछ सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको तुम्हें इतना परसेंटेज लेंडिंग करना ही है ऑफ ओवरऑल लेंडिंग कौन कौन से सेक्टर्स हैं ये याद रख लेना कौन से सेक्टर्स नहीं है ये भी पता होना चाहिए तुम्हें बस इतना ही है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बाकी बहुत सारी बातें करेंगे ये वो इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस पढ़ लेना बस पता होना चाहिए क्या है बहुत ज्यादा डिटेल में सब याद मत रखना ठीक है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नैपफिड बस पढ़ लेना और व्हाट इज इट अबाउट ठीक है नाम ही बता देगा कि फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बस हो गया इसमें ठीक है परपिचुअल बॉन्ड्स विंडफॉल टैक्स जस्ट तुम्हें वोकैबुलरी अपडेट रखनी है विंडफॉल टैक्स क्या होता है व्हेनेवर अ कंपनी इंडिया में तो ऑयल कंपनीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के यूज होता है कि जब क्रूड ऑयल सस्ता हो जाता है दे मेक अ एक्सेस प्रॉफिट में जो टैक्स लगाते हैं दैट इज विंडफॉल टैक्स बस इतना ही पता होना चाहिए अब ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि तुम्हें पता नहीं विंडफॉल टैक्स क्या है क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज विंडफॉल टैक्स तो उसमें एक ऑप्शन देंगे टैक्स लेविड ऑन विंड टर्बाइंस तो तुम्हें लगा अच्छा ये तो विंडफॉल है ये तो विंड से रिलेटेड है तो इसीलिए बस वर्ड एसोसिएशन डेवलप रखो और तुम्हें पता रहे कि व्हाट इज इट
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक बार पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पाइस स्कीम अगेन पढ़ लेना भाई इसको, कि किससे रिलेटेड है, क्या करने वाला है, ठीक है। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ सिविल एविएशन अगेन बस पढ़ लेना, किसने किसके साथ साइन किया, व्हाट इज इट अबाउट। तो यहाँ पे हमारा आज का खत्म होता है नंबर वन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमी। तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या क्लैरिटी आई है, बेटर। लास्ट टाइम भी सेम बात की थी हमने, बट सम इश्यूज की वजह से दोबारा करना पड़ रहा है। तो आई होप क्लैरिटी आई होगी सबको कि किस तरह से पढ़ना है। हैज इट बिकम क्लियर टू सम एक्सटेंट कि कैसे अप्रोच करना है विजन आईएएस मैगजीन को? जिसको नहीं हुआ है वो जस्ट मतलब बताना मुझे एक बार, जिसको क्लियर नहीं हुआ है। आई होप हो गया होगा। तो नंबर वन मैं बता देता हूँ उसको कैसे करना है। देखो, वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स, जो सोर्सेज हैं हमारे, नंबर वन इज न्यूज़पेपर, नंबर टू इज विजन एस मैगजीन, एंड नंबर थ्री इज योर प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण का मैगजीन मैं अपलोड करूंगा आफ्टर रिमूविंग अननेसेसरी पेजेस, बट इट विल टेक सम टाइम। तो तुम्हें क्या करना है, न्यूज़पेपर में तुम्हें रेगुलर खबरें आती रहेंगी कि दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है। उससे तुम्हारा एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव बनता जाएगा, बिकॉज बहुत सारे व्यूज देंगे न्यूज़पेपर में तुम्हें, यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑब्वियसली रशिया यूक्रेन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन कोई और कंट्री है जो छोटा मोटा सा इधर उधर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया चाइना का डीएस्केलेशन हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उनकी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ईजिंग वगैरह किया इकोनॉमी का, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब जब ये टॉपिक्स आते हैं तो विजन आईएएस मैगजीन में, इनको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। स्टैटिक पोर्शन का जो कोई डेवलपमेंट हो रहा है इन करंट अफेयर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो तुम क्या करो, जो तुम करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो, नंबर वन, स्टैटिक पोर्शन जो तुम बुक से पढ़ रहे हो, उसमें जो भी तुम्हें मिलता जाए मैगजीन में, उसको तुम अपडेट करते जाओ अपना नॉलेज, एंड याद भी कर लो। प्लस विजन ऐसी मैगजीन में जो तुम्हें टॉपिक मिल गया, उसको तुम रिसर्च करने मत बैठो, जितना मैगजीन में दिया उसको पढ़ लो। इफ इट इज इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि किसी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, इंडिया हैज रिसेंटली जॉइंड, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर नहीं दिया तो तुम उसको देख लो। कोई बाकी कंट्रीज का रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इनिशिएटिव, दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बस पढ़ लो। इंडिया को जो इफेक्ट करता है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर थ्री, कोई भी ऐसी न्यूज है जिसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, नॉट नेसेसरी। तुम्हें बस वर्ल्ड एसोसिएशन स्ट्रांग रखना है अपना, जैसे भी वो देखे थे 22,100 फास्ट चार्जर्स, ये वो, भाई ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इज यू शुड नो ई ड्राइव किससे रिलेटेड है, कौन सी एजेंसी है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, एंड व्हाट विल इट डू। ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, ये फाइनेंस रिलेटेड है, सब्सिडी दे रही है, ठीक है। ये क्लैरिटी रखो स्कीम्स पे, स्कीम्स तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए, सबके फुल फॉर्म्स भी याद कर लेना। तो इस तरह से तैयारी करते जाओगे तो हर मंथ का करंट अफेयर्स कवर करोगे तो लेट लास्ट तक जाते जाते तो बहुत सारा ग्राउंड कवर हो जाएगा, एंड वहीं से पेपर वन निकल जाना है आराम से। पेपर टू रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं, पेपर टू रिलेटेड टॉपिक्स में हमेशा दिमाग में रखो, इधर दे विल आस्क का रिपोर्ट, और दे विल आस्क एन आर्ग्यूमेंट, और दे कैन आस्क एन एसे, उसी हिसाब से तैयार करो। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पे दे कैन आस्क बोथ, मतलब दे कैन आस्क एवरीथिंग, दे कैन आस्क एन एसे, रिपोर्ट एंड एन आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर तुम रीजनल डेवलपमेंट की बात करोगे, ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट क्या ही पूछेंगे, नहीं पूछ सकते उस पर ज्यादा, क्योंकि है ये डिस्पैरिटी रीजनल डेवलपमेंट में। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं उनके बस पॉइंट्स याद रखो अपने दिमाग में, कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो सपोर्ट में कौन से पॉइंट्स थे, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर रीजनल डेवलपमेंट वाली बात आती है तो उसमें ओवरऑल पिक्चर याद रखो कि भाई ठीक है, जो वेस्ट है वो ज्यादा डेवलप्ड है, साउथ ज्यादा डेवलप्ड है, एंड क्या क्या रीजंस हैं, बस दैट्स इट। पेपर वन का, पेपर टू का, एंड पेपर टू का जब कर रहे हो, इन योर माइंड यू शुड हैव कि ऐसे रिपोर्ट एंड आर्ग्यूमेंट कैसे तैयारी करना है। दिस विल टेक टाइम, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, चीजों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम ये काम अभी डेलिबरेटली करोगे, लेटर ऑन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से होने लगेगा, ठीक है। तो इनिशियली पेशेंस से काम लो, किसी मंथ का मैगजीन मत छोड़ना अभी से, ट्राई करो इसको डेली पढ़ो, ठीक है। तो ऐसे करते रहोगे लास्ट तक जाते जाते काफी अच्छा तैयारी हो जाएगा, ठीक है। इफ समवन हैज डाउट तो पूछ सकते हो, अदरवाइज कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। अब जो टॉपिक्स बचे हैं इसको आई विल ट्राई कि संडे या मंडे में से किसी एक दिन हम करते हैं इसको, ठीक है किसी का कोई डाउट? अरिंदमा पूछना। सो माय डाउट इज अगेन रिलेटेड टू फैक्ट्स, लाइक व्हेन वी आर गोइंग थ्रू स्पेशली इकोनॉमिक यू नो टॉपिक्स, इकोनॉमिक रिलेटेड जो टॉपिक्स है आर्टिकल्स, स्पेशली जो
इम्पोर्टेंट बड़े बड़े जो आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो अभी लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आई एम ट्राइंग टू मग देम अप बट वो एट द एंड नहीं हो पा रहा, तो दैट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. इसको बहुत बहुत डेलिबरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. मतलब हाउ आई ट्राई टू अप्रोच ऑल ऑफ दिस इज कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं दे आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, हमेशा रिपीट होंगे. इतना रिपीटेशन होगा कि इफ यू आर जस्ट रीडिंग इट केयरफुली विदाउट अटेम्प्टिंग टू मेमोराइज वो याद हो जाएगा. जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $2,500, ठीक है, ये इसलिए याद है बिकॉज दिस फिगर विल अपियर अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ माई आईज. आई जस्ट नीड टू हैव अ कीननेस, आई जस्ट नीड टू रीड थिंग्स केयरफुली, वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा. अब इसके बाद देयर आर सम थिंग्स विच यू ट्राई टू मेमोराइज बिकॉज ईदर दे कैन बी आस्क्ड इन पेपर वन और नंबर टू यू वॉन्ट टू यूज देम इन पैसेज ऑफ पेपर टू. उसके क्या कर सकते हो, जो तुम्हारा मंथ वाइज विजन आईएएस का करेंट अफेयर्स का मैगजीन है इसी में हाईलाइट करते चलो, तो यू विल नो कि क्या याद रखना है. दैट इज फॉर पेपर टू. पेपर वन के लिए इफ यू आर अटेम्प्टिंग टू मेमोराइज बिकॉज यू फील कि दिस कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, तो उसके लिए क्या है कि व्हेन यू आर रीडिंग पीवाईक्यूज अगेन एंड अगेन तो वहां से तुम्हें एक आइडिया डेवलप हो जाएगा किस तरह का डेटा दे कैन आस्क, ठीक है, वो तुम पूछ लो. जैसे अगर ई ड्राइव स्कीम की बात की जाए तो ये तो नहीं पूछेंगे वो कि कितने थाउजेंड नंबर्स ऑफ चार्जर्स इंस्टॉल किए जाने, व्हाट दे कैन आस्क इज कि टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना है. नंबर टू दे कैन आस्क ये स्कीम कब से कब तक इफेक्ट में रहेगी. नंबर थ्री दे कैन आस्क इज कि फेम वन कब से कब तक थी, नंबर टू फेम टू कब से कब तक थी, बस दैट्स इट. ये सब चीजें तुमको पता चल जाएंगी इफ यू आर गोइंग फॉर पीवाईक्यूज, ठीक है. पीवाईक्यू कब लगाना है, पीवाईक्यू तब लगाना है जब तुमने सब्जेक्ट्स कवर कर लिए. तो अभी के लिए जस्ट मेक श्योर कि यू आर रीडिंग थिंग्स केयरफुली. मेमोराइजेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अभी, वो जब सब्सिक्वेंट रिविजन्स करोगे तब वो इंपॉर्टेंस आता है. तो अभी से बहुत ज्यादा याद करने का, रटने का, मगअप करने का जरूरत नहीं है. Just read things carefully, ठीक है? Is it clear? Okay sir, okay sir. Bhivan, तुम पूछना? Sir, मेरा ये doubt था, like मुझे like उसमें problem होता है, like एक topic हो गया, उसपे like कैसे type का question आ सकता है, कैसे किस context से prepare करें, तो उसमें थोड़ा problem है. तो sir, हाँ तो इसीलिए तो हाँ बताना, पूछो. Yes, sir. Sir, if you don't mind, like, आप अगर कुछ questions दे दे कि इससे ऐसे type के question आ सकता है, ऐसे आ सकता है, तो sir थोड़ा easy होगा. हाँ तो इसीलिए तो ये session रखा है कि भाई paper two का तो I said ना कि हम January से start करेंगे, but ये live session इसीलिए रखा है mainly so yes. that तुम्हें ये चीज पता चलती जाए कि किस type का question कहाँ से बनेगा. देखो अब micro management is very difficult. हर चीज में तुम्हें बता पाना कि इस पे तो ऐसे बनेगा, इस पे पीवाई, इस पे तो ये बन सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल. बट एक ओवरऑल इफ यू कैन ग्रास्प द आइडिया कि किससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा. अब जैसे हमने अभी वो कवर किया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ऐसे ये सब चीजें, इस पे एक एक्सप्रेस आर्टिकल एक्सप्रेस ऐसे पूछा जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है. तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम नेसेसरी फॉर पेपर वन. पेपर टू में हाउ कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन इज कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है विच इज रिलेटेड टू इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें तुम्हें इसको यूज करना पड़ेगा डेटा को. तो टॉपिक्स पढ़ते चलो विच आर ब्रॉड बेस्ड एंड इम्पोर्टेंट फॉर एसेस, जो बहुत नैरो स्कोप में देते हैं दे बिकम इम्पोर्टेंट फॉर पेपर वन. बस यही ब्रॉड गाइडलाइंस है, बाकी तो ठीक है. जैसे जैसे टॉपिक्स आते रहेंगे हम लोग बात करते रहेंगे, उस पर क्लियर होता जाएगा, ठीक है. सर ऐसे में तो वो भी है ना सर, different different dimensions को भी लिखना है, तो sir narrow देगा तो how you can write it, उसे भी हो सकते हैं ना. हाँ तो dimensions they will give you in the topic itself ना, what you have to write upon. बाकी तो वही कि जितना broad base तुम्हारा reading होगा, जितना तुम regular होगे current affairs के साथ, उतना ही तुम्हारा दिमाग will think in cross sectoral terms. बट जितना तुम narrow down करके पढ़ोगे कि नहीं भाई मैं तो compilation पढ़ूंगा, मैं तो videos देखूंगा, उतना ज्यादा तुम मतलब you will have a restricted knowledge. तो इसीलिए जस्ट कीप ऑन रीडिंग न्यूज़पेपर्स, कीप ऑन रीडिंग मैगजीन्स, और उससे तुम्हारा कवर हो जाएगा. डायमेंशंस का तुम्हें चिंता नहीं करना है, यू हैव टू वरी अबाउट गैदरिंग नॉलेज कि किस तरह से चीजें याद होंगी मुझे, ठीक है. yes, बाकी तो हम जब ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हो जाएगा सब मैनेज, ठीक है. yes, okay. ठीक है, तो वी विल कंक्लूड हियर. अभी नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेशन में वी विल ट्राई की
इसका जो रिमेनिंग पोर्शन हम वो भी कवर कर लें। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग, वी विल मीट अगेन, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।